नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। और मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि भूख तेज लगी हो लेकिन हल्का फुल्का खाने के बाद ही ऐसा लगे कि पेट भर गया बिल्कुल से? हुसैन, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानती हूँ जिन्हें थोड़ा सा खाते ही पेट दर्द शुरू हो जाता है। भूख तो जल्दी जल्दी लगती है, लेकिन जरा सा खाते ही पेट फूल जाता है। तो पेट फूल ही नहीं मीनाक्षी, इन दिनों लोगों को पेट में फूलने की जो परेशानी वो तो हो ही रही, जिसे ब्लोटिंग के नाम से हम सब जानते हैं। ऐसे लोगों का डाइजेशन सुबह के वक्त तो ठीक रहता है, लेकिन दिन ढलने और खाने पीने के साथ ही पेट में स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आ जाती है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जिसे दुनिया भर की तकरीबन 40% आबादी जूझ रही है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर के करीब 50% लोगों की पेट की परेशानी खाने से जुड़ी हुई है। मतलब ऐसे लोगों को खाने के बाद या तो पेट दर्द होता है, एसिडिटी होती है, गैस बनती है, या फिर कब्ज रहता है, या फिर ब्लोटिंग होती है। वो जो मैंने शुरुआत में फूल जाने वाली बात कही ना, वो इसी से जुड़ी हुई थी। सवाल ये है कि इस तरीके की दिक्कतों के पीछे आखिर वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह है छोटी आंत में बैक्टीरिया की ग्रोथ होना, और दूसरी वजह है कार्बोहाइड्रेट और फूड एलर्जी, और तीसरी वजह है स्टमक ऑर्गन्स का ठीक से काम ना करना, यानी आंत और लीवर का कमजोर होना। दवाइयां टेम्प्रेरी राहत तो दे सकती हैं, लेकिन डाइजेशन से जुड़ी हुई तमाम प्रॉब्लम्स का परमानेंट इलाज लाइफस्टाइल में बदलाव, नेचुरोपैथी और योग से ही आ सकता है। एम्स की स्टडी के मुताबिक पेट पर जोर डालने वाले आसनों और प्राणायाम से डाइजेशन परफेक्ट किया जा सकता है, और IBS को भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और ये बदलाव आप अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, ये बताने के लिए दुनिया भर में योग को घर घर तक पहुंचाने वाले, योग को अपने घर का हिस्सा बनाने वाले, आपके घर का हिस्सा बनाने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। नजर नहीं आ रहे हैं स्वामी जी, पेट दुरुस्त कर रहे हैं सबका। स्वामी जी दर्शन दीजिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, और देखो कितनी सुंदर आज ये सुबह है, शरद पूर्णिमा का दिन है, और जीवन में सब प्रकार से पूर्णता आए इसके लिए आज सुबह सुबह साइकिल चलाओ, सुबह सुबह जो है वो दौड़ लगाओ। अब जैसे ये बेटी है, क्या नाम है इधर, इसने अब ये देखने में सीधी सादी लग रही है, टेढ़ी हो चुकी थी एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से। जोरदार तालियां बजा दो। क्या नाम? श्वेता। श्वेता, इसने एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस थी क्या, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम? कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी। अब तो ये गुड़िया जैसी लग रही है, लेकिन ये गुड़िया की मम्मी है। जाओ। और इसने खाली यूट्यूब पर देख देख करके ही अपना एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, चलो ताड़ासन करो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये बहुत जरूरी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, और बैठ करके उदराकर्षासन, ये पांच आसन हम करवाते हैं। सुबह उठते ही अभ्यास कर लें ताड़ासन, अब ये तिर्यक ताड़ासन, गर्म पानी पी ले, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। बात तो छोटी सी है, आज हम ऐसे छोटे छोटे 20-25 उपाय बताएंगे। हम हर दिन 10-20 उपाय लोगों को बताते हैं, उनमें से कोई एक को भी ठीक से अपना ले तो अपने रोग को जड़मूल से मिटा सकते हैं। अब देखो ये दो बेटियां कितनी स्मार्ट लग रही है, ये दोनों जुड़वा है, ये प्रगति और प्रज्ञा, और दिल्ली से आई है। कॉन्स्टिपेशन था दोनों को ही, जेनेटिकली कुछ शायद लगता है मुझे, माता पिता या दादा दादी किसी न किसी की आंतें कमजोर थी, इन दोनों को ही कॉन्स्टिपेशन हो गया बचपन से ही, और एस्थमा भी था दोनों को। हाँ, माइक में बोलो। और कितनी उम्र है दोनों की? 18 इयर्स के, और हमें एस्थमा भी था, कॉन्स्टिपेशन भी था। एस्थमा तो ठीक हो गया, और कॉन्स्टिपेशन भी। दोनों अस्थमा और कॉन्स्टिपेशन दोनों ने ठीक कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है, जोरदार ताली बजा। ये सारी परेशानियों पर इन बच्चों ने फतेह पा ली है, कंट्रोल कर लिया, अब दोनों एकदम परफेक्ट। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, आंकड़े ये बता रहे हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अब ये करो जी स्वामी जी। स्वामी जी आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर में करीब 40% लोग ऐसे हैं जिनको पेट की कोई ना कोई दिक्कत जरूर है।
आपने योगाभ्यास की शुरुआत तो करवाई दी है, तो क्या ये ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन, ये सारी चीज़ें भी पेट के लिए फायदेमंद होती हैं? क्योंकि आज हम योग के जरिए पेट को हमेशा के लिए हेल्दी और फिट रखने के रामबाण है। ठीक है स्वामी जी, तो ये देखो अब ऐसे ही छोटे छोटे दसेक उपाय में योगाभ्यास करते करते बता देता हूँ। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, फिर उदराकर्षासन, ये पांच आसनों से शुरुआत कर रहे हैं। एक हाथ ऐसे सामने से आया, कंधे के ऊपर चला गया, दूसरा हाथ पीछे ऐसे दंधा के ऊपर चला गया, ऐसे क्रॉस करके देखा। ये सब योगासन तो करने हैं। सुबह उठ करके पानी पीना, जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो त्रिफला का पानी पी सकते हैं, वो गोधन अर्क पी सकते हैं, वो सुबह उठते ही सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पी सकते हैं। ये जो आंवला एलोवेरा का जूस जो बताते हैं, वैसे तो कई बीमारियां हैं तो आंवला एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये सब भी एक साथ पिला देते हैं, लेकिन यदि केवल कॉन्स्टिपेशन है तो मात्र आंवले का जूस, मात्र एलोवेरा और वीटा ग्रास का जूस, आंवला एलोवेरा वीटा ग्रास भी पर्याप्त है। ऐसे ये तीन अभ्यास तो खड़े होके, अब एक अभ्यास उल्टे लेट करके, इसका नाम है तिर्यक भुजंगासन। ये छोटे छोटे उपाय अपनाएं। खाने के एक घंटे बाद पानी पिए, खाना चबा चबा करके खाएं, खाने में पहले सलाद और फल लें। बात छोटी छोटी है, लोग पहले भारी खाना खाते हैं, बाद में फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स बाद में नहीं खाने चाहिए। अब इस सीक्वेंस थोड़ा बदलना पड़ेगा। सुबह नाश्ता हल्का लें, दोपहर को जितना आवश्यक है उतना खा लें, शाम को भी थोड़ा हल्का लें, और शाम जितना हो सके सूर्य उदय और के बाद नाश्ता आदि लेना चाहिए, और सूर्यास्त से पहले। सूर्य के समय हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है। तो ये तिर्यक भुजंग आसन हो गया। बैठ करके अब ये देखो, ऐसे बात छोटी छोटी है, एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर, ऊपर वाला घुटना नीचे के ऊपर, दूधी घास, संजीवनी घास का पानी पिला करके हमने लोगों के कोलाइटिस जैसी बीमारी को ठीक कर दिया। ये मेरे सामने आप देख रहे हो, ये जो है ये अति बला है, अति बला के पत्ते खिला करके हमने कब्ज की बला टाल दी लोगों की, बहुत खतरनाक बीमारी है। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई, ये भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई जो हरा दिख रहा है, ये तीनों ही पूरे देश में पौधे होते हैं, फ्रेश ले इनको, इनका जूस पिला करके हमने फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस तक को ठीक कर दिया है। एलोवेरा वीटग्रास जैसी चीज़ें पिला पिला करके, पांच तो ये अभ्यास विशेष रूप से करें जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। अभी इधर हमारी बहन है, इसको देना भाई। अब इसने जो है, श्वेता ने तो एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, पेट की बीमारी सब ठीक की, इसने तो फैटी लीवर, क्या नाम है बहन? मंडूकासन करो। मनीषा, कब से था आपको फैटी लीवर? 3 साल से। 3 साल से फैटी लीवर था। अब ये फैटी लीवर ग्रेड 1 से 2, 2 से 3, फिर लीवर सिरोसिस और फिर लीवर ट्रांसप्लांट में तब्दील हो जाती, बच गई है मनीषा। हाँ जी, पूरा ठीक हो गया। हाँ जी, और वेट भी कितना कम किया? 5 किलो। 5 किलो भी यहाँ करके वेट भी कम कर लिया, फैटी लीवर भी अच्छा कर लिया। क्या क्या किया था फैटी लीवर के लिए? ये 21 दिन वो करा था फलों पे, 21 दिन फल के ऊपर रही। देखो थोड़ी हिम्मत थी। अब हम कहते हैं ना, 1-2-3 सप्ताह आप फलाहार कर लें। इसने फलाहार किया और सर्वकल्प किया? सर्वकल्प नहीं पिया, बस फल से ही काम चल गया। ने तो सर्वकल्प का पानी भी पिलाते, अगली बेटी को भी देना। इसको तो फैटी लीवर ठीक किया, और इसने भयंकर क्या था? स्वामी जी नमस्कार, मेरा नाम वंदना भाटिया, नई दिल्ली से, और मेरे को बहुत एक्यूट एसिडिटी 2019 में हो गई थी, और मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी, और 15-15, 16-16 बार मुझे वॉमिटिंग होती थी। इतना भयंकर ऐसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और डॉक्टर के पास जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, आपकी ऑपरेशन होगा। तो मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी, और मैं घर आ गई। और उसके बाद मैंने जीरे, अजवाइन, सौंफ, मेथी, धनिया और दालचीनी, इसका पानी पीना शुरू किया, और पवन मुक्तासन और मंडूक आसन बहुत ज़्यादा किया, उससे अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन हो जाए इसका भी। कितना भयंकर था बताओ एसिडिटी का प्रकोप किसी को, कॉन्स्टिपेशन का, मंडूक आसन जो कर सके, और जो कर सके सुप्त वज्रासन भी कर ले। आगे झुके तो मंडूक आसन शशकासन होता है, पीछे झुके प्रज्ञा और प्रगति तो कर लेंगे, हल्की दुबली पतली है, बाकी को थोड़ी दिक्कत आएगी। ऐसे ये सुप्त वज्रासन,
और सुप्त पद्मासन, ये भी बहुत ही जबरदस्त है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए और इंडाइजेशन के लिए, पेट की बीमारियों के लिए। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी इससे अच्छा होता है। पीछे झुके एक एक मिनट से लेकर के 2 मिनट 5 मिनट तक एक आसन करना होता है। आगे झुक गए तो योग मुद्रासन। अब छोटे छोटे उपाय करके जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है वो त्रिफला चूर्ण ले लें रात को, या जीरा धनिया सौंफ का मेथी अजवाइन का पानी जो हमने बहुत बताया। अब लोगों ने पहले तो सुनते ही सुनते थे, अब करना शुरू कर दिया उपयोग। रात को भिगो दिया, सुबह इसको छान करके पी लिया। सर्वकल्प का पानी दिन भर पिए, लिवोग्रिट या लिवामृत ले लें, आते हैं लिवर इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस है, बार बार दस्त जाने पड़ते हैं, आँव बनती है, तो कुटजारिष्ट ले लें, कुटज घनवटी और चित्रगादी वटी दो दो चार चार गोली खा लें, 2 से 4 गोली छोटी छोटी गोलियां होती हैं, खिलाते हैं और कोलाइटिस तक मिटा देते हैं। और होम रेमेडी में हम दही, अनार, इसबगोल, पका हुआ केला, दही, इसबगोल, अनार, पका हुआ उबला हुआ सेब, ये सब खिलाते हैं और तक्रकल्प करा देते हैं। घी, मीठा और दूध बंद कर देते हैं जिनको कोलाइटिस होता है। अब आईबीएस ये ठीक हो जाते हैं। और ये जो आसन करवा रहे हैं, ये मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, खाली इतना ही कर ले, और लेट करके पवन मुक्त आसन। चलो सब लेट जाते हैं, पवन मुक्त आसन कर लेते हैं, तो पेट की बीमारी रह ही नहीं सकती। जैसे बहन बता रही थी कि फैटी लिवर था बस, और एसिडिटी थी, पवन मुक्तासन किया और मंडूकासन किया। हम तो 10-15 आसन बता देते हैं, उसमें 5 आसन भी कर लें ना, 5 प्राणायाम कर लें तो भी बेड़ा पार हो जाता है, उद्धार हो जाता। बहुत ही पेट खराब है तो आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, कुमारिया सव, लोहा सव, पेट में कीड़े हैं तो उसको, बच्चों को, बड़ों को विडंगा सव, अरविंद आसव, बच्चों को पिला देते, बड़ों को विडंग आसव पिला देते। छोटी छोटी बातें, बिल्कुल स्वामी जी, छोटी छोटी बातें हैं। और योग अभ्यास अगर रोज नियमित हमारे साथ करेंगे, आपके साथ करेंगे, तो ये परेशानियां होंगी ही नहीं। स्वामी जी, आयुर्वेद के मुताबिक खराब हेल्थ की पहली वजह खराब हाजमा होता है। दिन शुरू करने का यौगिक तरीका क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा डाइजेशन परफेक्ट रहे? यानी सुबह शुरुआत हम कैसे करें, दोपहर का खाना कैसा हो, शाम की तरफ हमें क्या करना चाहिए, पूरा दिन का रूटीन क्या होना चाहिए? हाँ, आयुर्वेद में इसको चरक संहिता में स्वस्थ वृत्त कहा है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और इसके बाद सेतुबंधासन, पादांगुष्ठन, आसास्पर्शासन, सर्वांगासन, हरासन करते करते इसके 5-7 बड़ी बातें बताना चाहता हूँ। एक तो समय पर खाना खाएं। मान लीजिए हमने समय तय किया कि मुझे अभी 8 बजे तो योग करना है, तो कोई इससे पहले कर लेता है, लेकिन हमारे 7 अब करने लग गए, तो 9 बजे नाश्ता किया, सब योगाभ्यास सारी चीज़ें पूर्ण हो गई। योगाभ्यास 9 बजे नाश्ता किया, 12 बजे से 2 बजे के बीच में भोजन किया, जो भी समय निर्धारित है, शाम का 7 से 8 के बीच में, 9 से के बाद तो खाना ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ और कहता भी हूँ लोगों को, क्योंकि खाने का समय काल भोजन में आरोग्य कराना, एक सूत्र, ऋतु भूख हित भूक मित भूक को अरुक, ऐसा प्रश्न पूछा, रोगी कौन नहीं होता। तो ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या ठीक हो हमारी, खाने के 1 घंटे बाद में पानी पिए, विरुद्धार ना करें, रात को दही नाले, दही, छाछ और तमाम तरह की बायबादी की चीज़ें, यहाँ तक कि दालें भी कम लेनी चाहिए रात को, शाक सब्जियाँ, और अपनी प्रकृति के अनुसार वात पित्त कफ को देख करके आहार तय करना चाहिए। तो समय पर खाना खाएं, हित भूख ऋतु भूख मित भूख हों, और सुबह उठ करके पानी ज़रूर पिएं, 1/2 से लेकर के 1 लीटर तक पानी 1-2 बार में 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके ही चाहे पी ले, भले ही पानी ज़रूर पीना चाहिए। जिनको वात रोग और कफ रोग है उनको गर्म पानी पीना चाहिए। बात छोटी छोटी है लेकिन इनकी बड़ी महिमा है। जिनका पेट बहुत ख़राब रहे तो उनको आंवला एलोवेरा के साथ पानी पीना चाहिए, और सर्वकल्प के साथ पानी पीना चाहिए, सर्वकल्प का पानी, नहीं तो जीरा धनिया सौंफ का पानी सुबह उठते ही ये लेना चाहिए। तो ऐसे
नाश्ते में अंकुरित फल, किसी दिन ओट्स, किसी दिन दलिया, ऐसे हल्की चीज़ें लेनी चाहिए। किसी दिन केवल फल खा लिए, किसी दिन केवल जूस पी लिया लौकी का, सप्ताह में एक बार भी पीलेंगे तो कभी भी कोलेस्ट्रॉल आदि नहीं बढ़ेगा। सर्वांगासन, हलासन, ऐसे इसको सालंबी भी कर सकते हैं और निरालंबी भी कर सकते हैं। हाथ ऐसे टिका के रखें, सर्वांगासन भी किया और हलासन भी कर लिया, ऐसे निरालंब ऐसे। तो एक तो सहारा लेकर के करते हैं, एक बिना ही सहारा के हाथ नीचे रखे और ऐसे पूरा शरीर सीधा कर दिया, ये तो निरालंब सर्वांगासन और हलासन हो गया ऐसे। तो ये छोटी छोटी चबा चबा करके खाना खाना, सब आसनों के अंत में थोड़ा सा शवासन कर लेना, ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। खाने के बाद में वज्रासन में बैठें। अब बताओ, ऐसे बैठने से डाइजेशन अच्छा रहता है, और जिनको गैस बनती है गोमुखासन में बैठें। गोमुखासन तो पूरा भी नहीं कर पाते, ऐसे बैठते ही है ना, ऐसे बैठने से ही डकार आ जाएगी, पूरा शरीर हल्का हो जाएगा। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर। ये गोमुखासन भी गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, खाना चबा चबा करके खाना, खाने की ज़्यादातर तो लोग ओवर ईटिंग करते हैं, तो मैं कहता हूँ खाने की मात्रा आधी कर दो, समय दुगना कर दो, और खाते समय खाने को लिक्विड करके खाओ। इतना चबाओ कि खाते खाते लिक्विड हो जाए। वैसे तो आयुर्वेद में विधान है 32 बार चबा करके खाना चाहिए। खाने से पहले नहाना चाहिए, सुबह और शाम को भी। खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, उससे पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। खाने के बाद लघुशंका जानी चाहिए। खाने के बाद जो लघुशंका जाते हैं तो शरीर की गर्मी, माने बाथरूम के लिए जाते हैं तो शरीर की गर्मी निकल जाती है। खाने के बाद जिनको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है तो कहते हैं उनकी मृत्यु करीब होती है। इसका अर्थात कोलाइटिस और IBS ये सब हमारी आयु को घटाने वाले होते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मतलब स्वामी जी रखें। और लिक्विड 3 लीटर जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर अपनी जिंदगी में हम अनुशासन थोड़ा सा ले आए तो फिर बहुत कुछ आसान हो सकता है, और वहीं सारी परेशानी है। स्वामी जी, बहुत सारे लोगों से हम ये सुनते हैं कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो जब सुबह उठते हैं तो उनका पेट साफ नहीं हो पाता, और फिर वो सारा दिन उसी वजह से परेशान रहते हैं। तो ये पेट क्लियर रहे, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बिल्कुल से ना हो, इसका परमानेंट सोल्यूशन है क्या? बड़ी ज़िद्दी बीमारी है ये भी। परमानेंट सॉल्यूशन है कॉन्स्टिपेशन का, चबा चबा करके खाना खाना, सुबह उठ करके योगाभ्यास करना, और दिन में 3 लीटर के लगभग लिक्विड लेना, और अपने मन को थोड़ा शांत रखना, क्योंकि मन के स्ट्रेस का प्रभाव सीधा आंतों पर पड़ता है। आंते और लीवर जो है ना, हमने बोला हुआ ना, करोड़ों की मात्रा में, खरबों, अरबों, खरबों की मात्रा में हमारे गट बैक्टीरियाज होते हैं, वो प्रभावित होते हैं हमारे विचार से। तो इसलिए सुबह उठ करके जिनको बहुत ही कॉन्स्टिपेशन है उनको हमने कहा ना, जीरा धनिया सौंफ का पानी ले लेना चाहिए, आंवला एलोवेरा का जूस ले लेना चाहिए। आंते खराब नहीं, ये जो पेट साफ करने वाले जितने भी चूर्ण खाते हैं त्रिफला के अलावा, ये सब के सब जो है आंतों को कमज़ोर करने वाले होते हैं, और सनाई की पत्ती और बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा हरड़े, इससे फिर आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। ये रोज़ नहीं लेने चाहिए, इससे अच्छा कपाल भाती कर देखो, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। और सुबह जो है मुनक्का अंजीर रात को भिगो करके खा लेते हैं, उससे भी पेट की आंतों को ताकत मिलती है। ये जो हमने कई बार बताया हुआ दूधी घास है, छोटी और बड़ी दूधी, इसको पीने से पेट परमानेंट अच्छा हो जाता है। ये 7 दिन 1-2 सप्ताह ऐसा प्रयोग कर ले। अथवा जो सुबह सुबह उठ करके खाली पेट सेव खाते हैं, अब ये सेव तो पूरा पहलवान है, तो एक सेव खा लिया तो कुछ दिन लगातार सेव खा लें तो पेट का पूरा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है, गट बैक्टीरियाज पूरे अच्छे हो जाते हैं। सुबह सुबह खाली पेट सेव खाना चाहिए, अर्थात तो योगाभ्यास करके खाना, कभी उठते ही सेव खाने लगे, सुबह सुबह की चाय बंद कर दे। ऐसे ये अतिबला के पत्ते यदि कोई खा लेता है तो पेट परमानेंट अच्छा हो जाता है, परमानेंट कब्ज दूर हो जाती है। गोदर अर्क स्वामी जी, आज देखिए मैंने गड़बड़ कर दी, सुबह सुबह दूध पी के आ गई तो आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। परमानेंट ठीक करने वाले उपाय। तो सुबह सुबह दही, दोपहर को छाछ, और उसमें भी लवण भास्कर और हिंगवास्टक डाल दें, या थोड़ा जीरा का और हरी मिर्च का थोड़ा छोंक लगा करके पी लें, वो बहुत डाइजेस्टिव होती है। या खाने के बाद थोड़ा सा इसका सेव का या जामुन का सिरका ले लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अचार भी आंवले का, नींबू का या लिसोड़े का, और सबसे अच्छा होता है टीट का अचार,
बाकी अचार नहीं खाने चाहिए, अचार बीमार करते हैं। खैर छोटे अच्छा, छोटे उपाय अपना ले, ये पिंडलियाँ थोड़ी सी ऐसे दबा लेते हैं, इससे भी कॉन्स्टिपेशन परमानेंट दूर हो जाता है। और सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पी लें, वो तो आंतों को, देखो आंतों को ताकत देने वाली चीजें ना नुकसान नहीं करेंगी, तो सर्वकल्प और कायाकल्प कुछ दिन पी लिया तो आंतें परमानेंट मजबूत हो जाएंगी और 100 साल तक कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। नहीं मैं देखो लोग 10-10, 20-20 साल से चूर्ण खाते रहते और बुढ़ापे में फिर मुट्ठा भर भर के खाना पड़ता फिर भी पेट साफ नहीं होता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आंतें कमजोर ना रहें तो फिर कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा, आंतों की कमजोरी का नाम ही कॉन्स्टिपेशन। ठीक बात है, तो ये कपालभाति से अच्छी होगी, और जो कर सके तो बाह्य प्राणायाम भी कर लें। स्वामी जी कोलाइटिस भी पेट की एक बड़ी परेशानी है, पेट में अक्सर मरोड़ का उठना, हमेशा प्रेशर सा फील करना, तो इससे कैसे लोगों को निजात मिलेगी, इसके लिए भी कुछ उपाय बता दें। कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस और पाचन तंत्र का कमजोर पाचन, पंचकोल तो बहुत अच्छा होता है, जिनका कमजोर पाचन है, खाया पिया जम नहीं होता, तो पीपला मूल चित्रक 2400 ही घर पर भी कोई बना सकता है, नहीं तो पंचकोल हम भी बना हुआ देते हैं। पंचकोल का काढ़ा 5 ग्राम, इस औषधि को करीब 400 ग्राम पानी में पकाया और 50-100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें और ऊपर से दूध पी लें, पाचन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। जूस पी लें, जिसको भी जो पीना है। अब ये पाचन को अच्छा करता है। बाकी जिनको कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, गंगाधर चूर्ण, बिलवादी चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति भस्म इसमें 10-10 ग्राम मिला दी, मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला करके इसको एक एक चम्मच सुबह शाम खा लिया, कुटजारिष्ट खाने के बाद 4-4 चम्मच और कुटज घनवटी चित्रकार डिवती 4-4 गोली खा ले, बाद में 2-2 कर दें, ये कोलाइटिस का परमानेंट सोल्यूशन है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ मैंने बोला था मीठा नमक और घी बंद करना पड़ेगा, दही छाछ इसके लिए औषधि तक्रकल्प करा देते हैं, हम दिन भर छाछ पर ही रखते हैं ऐसे रोगियों को, बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। बेल का प्रयोग, पका हुआ केला, उबला हुआ सेब, अनार और दही, ये इसकी औषधियाँ हैं, इसका उपयोग करने से पूरी तरह से ठीक हो जाते। किसी किसी को पेट के अलग अलग चीज़ों की एलर्जी है, किसी को ग्लूटेन से है, किसी को फ्रुक्टोज से एलर्जी है, किसी को और किसी खाने पीने की चीज़ से, किसी को दस्त, किसी को उल्टी, किसी को इंडाइजेशन का, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, पेट में आफरा आ जाता है। तो सर्वकल्प का पानी पिए सबसे बेस्ट है, सुबह शाम पी लें या दिन में 3 बार पी लें, लिवोगीट लिवामृत खा लें, कपालभाति कर लें और थोड़ा अनुलोम विलोम भी, 10-15 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लें, कोई खाने पीने की किसी चीज़ से एलर्जी नहीं रहेगी। हमने कितने लोगों को, किसी को दूध पीने से तुरंत दस्त, किसी को छाछ से, किसी को दही से, किसी को कोई भी चीज़ की खाने पीने की चीज़ से, किसी को ग्लूटन से, जो भी एलर्जी होती है वो भी परमानेंट ठीक हो जाती है, जो आज आसन बताया और कपालभाति करने से हुसैन। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, लेकिन आज आपकी एंट्री जो हुई वो साइकिल पर सवार होकर हुई, तो क्या साइकिल चलाने से भी पेट को कुछ फायदा मिलता है, क्योंकि आज मीनाक्षी भी ये कह रही थी इशारों इशारों में कि वो भी साइकिल लेने वाली हैं, क्योंकि जरूर साइकिल जो है ना जी, साइकिलिंग करनी चाहिए, तेज चलना चाहिए, ये ऐसे जो सुबह टहलने के नाम पर जो इधर उधर गप सप करते रहते हैं, निंदा चुगली पुराण पढ़ते रहते हैं सुबह सुबह, वो ठीक नहीं है, कुछ तो इतनी बातें छूकते हैं, तो तेज़ी से चलना चाहिए और जो दौड़ सके तो दौड़ना चाहिए, दौड़ने से पेट की बेस्ट एक्सरसाइज होती है, साइकिलिंग से पेट की बेस्ट एक्सरसाइज होती है, इसलिए साइकिलिंग सबको ज़रूर करनी चाहिए। और जो साइकिल भी ना चला सके, बोले जी कहाँ साइकिलिंग करें, हम तो फ्लैट में रहते हैं। हालांकि मीनाक्षी का मकसद कुछ और था, पेट्रोल को लेकर के जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर के मीनाक्षी कह रही थी कि वो अब साइकिल ले लेंगी। स्वामी जी अगला विषय शामिल करते हैं, फिर उसके बाद सवालों की बारी है। लंबे वक्त तक कब्ज रहने से स्वामी जी, लंबे वक्त से तक जो है लोगों को जब कब्ज रहता है तो उससे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की परेशानी हो जाती है, तो ये बड़ी खराब सी प्रॉब्लम्स हैं जिन लोगों को हो जाती है, बहुत परेशान रहते हैं, इनके लिए भी उपाय बता दें आप। इसके लिए 5 उपाय बताता हूँ एकदम सटी। सुबह ठंडे दूध में 1 नींबू निचोड़ करके पी लो, गाय का हो तो बेस्ट है, भैंस के ऊपर मैंने ट्राई नहीं किया, किसी को धारोष्ण मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो गर्म करके थोड़ी देर थाली में दूध डाल दो, पंखा चला दो, एकदम ठंडा हो जाता है, चिल्ड हो जाता है, फ्रिज में ठंडा मत करना।
ठंडा किया हुआ दूध, गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध 1 कप, उसमें नींबू निचोड़ करके पी ले, बस नींबू निचोड़ा और तुरंत पी गए 3 से 7 दिन में। ये प्रयोग में पिछले 30 सालों से करवा रहा हूँ और लोगों की इससे पायस अच्छी हो जाती है। दूसरा है, बहुत अच्छा उपाय है, शुद्ध कपूर। देखो आजकल तो मिलावटी कपूर बहुत मिलता है, भीमसेनी कपूर बोलते हैं, शुद्ध कपूर चने के बराबर केले में डाल करके निगल जाओ, इससे भी जो है खूनी और बादी दोनों तरह की बवासीर अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छा उपाय है इसके लिए नागदोन के पत्ते। नागदोन एक हरे से पत्ते होते हैं, वो यहाँ पर खड़ा रहता है पौधा, ले आ रहे भाई, तो जो है नागदोन के 3 पत्ते खा लो, एकदम से पायल्स ठीक हो जाती है। बकायन और नीम की निमोली, एक ये मीठा नीम बोलते हैं कड़वा नीम, बकायन और नीम की निमोली इसको ले लो, और हरड़ का पाउडर या त्रिफला मिला लें साथ में। त्रिफला में नीम और बकायन का फल डाल दिया और उसको घर में ही पाउडर बना के खा लिया, इससे भी पायल्स अच्छी हो जाती है। पायल्स के लिए ये पॉइंट ही दबा दिया यहाँ कलाई में, यहाँ से इससे पायल्स अच्छी हो जाती है। बाकी अभयारिष्ट पीने से भी और एक अर्षकल्प औषधि भी हम बनाते उसके लेने से भी पायल्स अच्छी हो जाती है। छोटे छोटे उपाय हैं ये। सुबह उठ कर के जो प्रतिदिन एलोवेरा, ये एलोवेरा ना बहुत ज़बरदस्त है, एलोवेरा की हम सब्जी भी बनाते हैं, एलोवेरा की खीर भी बनाते हैं, एलोवेरा की बर्फी भी बनाते हैं, एलोवेरा का जूस भी बताते हैं। ये नागदोन है, ये हर जगह पार्कों में खड़ा रहता है, इनके इसके 3 पत्ते सुबह सुबह खा लो, पूरा पहले ही दिन से ब्लीडिंग बंद हो जाती है, इतना ज़बरदस्त इसका लाभ होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं। अनार और एप्पल भी सुबह सुबह खाने से पायल्स अच्छी हो जाती है। और अब स्वामी जी बारी है, सर्वकल्प कायकल्प से कॉन्स्टिपेशन और पायल्स दोनों एक साथ अच्छी हो जाती है। बहुत तो अच्छी उपाय बता दिए, एक भी अपना लेंगे तो पायल्स अच्छी हो जाएगी मेरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी अब लोगों के सवाल शामिल कर लेते हैं, और पहला सवाल चिन्मय का है। चिन्मय अग्रवाल पूछ रहे हैं कि उनका बेटा जो है उसका नाम भानु है, 10 साल का है, कार या बस से जब वो सफर कर रहा होता है तो उसको उल्टियां होने लगती हैं, तो ये परेशानी कैसे दूर हो सकती है? ये स्वामी जी मोशन सिकनेस की परेशानी कई लोगों को होती है। हाँ इसके लिए, हाँ ये बहुत लोगों को होती है। एक तो इसके लिए हमने आंखें का पत्ता बताया हुआ है, आंखें का पत्ता इसको पैर के तलवे में लगा करके ऊपर से सॉक्स पहन ले और फिर जूता पहन के बस में चढ़ा दें। मैंने देखा इससे लोगों को, इससे शुगर भी कंट्रोल होती है और इससे उल्टी नहीं आती। जो हम दिव्य धारा बताते हैं उसको सूंघने से, पानी के अंदर 1 ड्रॉप पीने से उल्टी नहीं आती। यात्रा के पहले थोड़ा सा दही और अनार ले लेते हैं। पहले घर से बाहर निकलते थे तो शगुन के तौर पर लोग दही और थोड़ा उसमें शक्कर डाल करके खिलाते थे, तो थोड़ा सा दही 50-100 ग्राम दही थोड़ा मधु के साथ या शक्कर के साथ खा लें, उससे भी ये जो है उल्टी नहीं होती है। सर्वकल्प क्वाथ सुबह सुबह पी लें या जीरा धनिया सौंफ का पानी पी लें, सुबह सुबह कपाल भाती और मंडूकासन करके फिर यात्रा शुरू करें, तो ये चिन्मय के साथ साथ बहुत लोगों की समस्या है। अच्छा लेकिन स्वामी जी ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग ना ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तब उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर गाड़ी में पीछे बैठ गए तो ये क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है? हाँ उस ये टोटली जो है ना हमारे गट बैक्टीरिया से रिलेटेड है ये सारा। अच्छा। का सारा मसला जब हम रिलैक्स होते हैं ना तब, अब जैसे जो या ज़्यादा अलर्ट होते हैं तो ड्राइवर बहुत अलर्ट होता है तो उसका फिर पेट पर ध्यान ही नहीं जाता, उसका ब्रेन बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो किसी किसी का डर से भय से मन में ही मान लिया कि मैं तो बैठूंगा तो होगी उल्टी, तो ऐसा एक मन में, और वो फिर वो किसी किसी को घूमने लगता है, जब चलता है तो पेड़ चलते हुए दिखते हैं उनको, बाहर देखते हैं तो किसी को धुएं जो है वो जो डीजल होता है, डीजल या पेट्रोल का जो धुआं आता है उससे हो जाता है। तो कई इसकी चीज़ें हैं, लेकिन जिस भी कारण से हो रहा हो हमने जो उपाय बताए उससे निवारण हो जाएगा चिन्मय से लेकर के बाकी सबका। अगला प्रश्न ले लो मीनाक्षी जी। हुसैन भाई अगला सवाल हर्षित का है। स्वामी जी हर्षित पूछ रहे हैं उन्हें ब्लोटिंग की दिक्कत रहती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, पिछले 15 साल से IBS है। इसके लिए मुनक्का अंजीर रात को भिगो करके सुबह लें, 5-7 मुनक्का 1-2 अंजीर, ये ग्लूटोन से और भी किसी भी चीज़ से, IBS भी बहुत लोगों को होता है। तो इसके लिए जो है एक क्रोन्स डिजीज़ भी बोलते हैं, एक तो
पुलम खाते हैं इसके लिए। आजकल वो जो है विदेशों में तो बहुत मिलता है वो फल भी उसका, लेकिन खाने में थोड़ा ऐसे अटपटा सा होता है, लेकिन उससे भी प्रूंस बोलते हैं, क्या प्रूंस ही बोलते हैं ना फ्रूट वो उसको खाते हैं। मुनक्का जी बेस्ट है इसका उपाय। और सी फूड बोल रहे हैं अनार 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 खाएं, अनार से पूरा एकदम भूख बढ़िया कड़ाके की लगती है, अनार खाना चाहिए खाली पेट। और जो है अनार गाजर चुकंदर इसका व्हीट ग्रास एलोवेरा के साथ थोड़ा इसका जूस मिला दे, थोड़ा आजकल ये आंवला भी आ रहा है फ्रेश, थोड़ा उसमें डाल दे, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, पेट एकदम अच्छा हो जाएगा। अनार गाजर चुकंदर उसमें थोड़ा सा व्हीट ग्रास फ्रेश एलोवेरा फ्रेश एकदम ठीक है स्वामी जी, फर्स्ट क्लास हो जाता है। अगला सवाल स्वामी जी मंजू गोस्वामी का है, अगला प्रश्न ले लो जी स्वामी जी। अगला सवाल मंजू गोस्वामी का है, डॉक्टर ने उन्हें अल्सर बताया है, वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है उनको, तो क्या खाएं और क्या योग करें जिससे उनकी परेशानी दूर हो जाए। मंजू गोस्वामी के लिए मैं कहूंगा, एक तो मुक्ताशुक्ति 10 ग्राम मोती पिष्टी 4 ग्राम दोनों को मिला लें, या कामदूधा 10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, आधा आधा ग्राम शहद के साथ या मलाई के साथ ले लें, एकदम अल्सर में फायदा हो जाता है। मिट्टी पट्टी पेट पर रखें, जीरा धनिया सौंफ का पानी पिए, जीरा धनिया सौंफ मुलैठी और गुलाब फूल, हम गुलकंद भी खिलाते हैं, जीरा धनिया सौंफ मुलैठी और गुलाब के फूल, इसको हम पित्तहर पेय कहते हैं, इससे एसिडिटी पूरी खत्म हो जाती है। मिट्टी पट्टी पेट पर रखें अथवा ऐसे तौलिया ले लें और उसको पानी में भिगो करके पेट के ऊपर ऐसे लगा दें, इससे पेट की गर्मी शांत हो जाती है। बात छोटी छोटी है लेकिन प्रभाव बहुत जबरदस्त है, और एसिडिटी और पित्त का परमानेंट इलाज है व्हीट ग्रास एलोवेरा और लौकी का जूस, उसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना और मिला देते हैं तो और डाइजेस्टिव हो जाता है। ये कुछ दिन लगातार पी लें और सुबह थोड़ा अंकुरित खाएं, थोड़ी मात्रा में ज़्यादा नहीं, तो परमानेंट इलाज है ये एसिडिटी का। कितना ठीक है स्वामी जी बनता हो, जैसे शुरू में ही हमारी बहन बता रही थी स्वामी जी। अगला सवाल राजेश कुमार का है, 20 साल की बेटी को पिछले 10 साल से कोलाइटिस की परेशानी है और आंत में बैक्टीरिया भी है, पेट में काफी दर्द भी रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए औषधि तो हम पहले बता ही चुके हैं, फिर से दोहरा देते हैं, गंगाधर बिलवादि चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख पर्तक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, सब मिला के 2-2 ग्राम सुबह शाम दें, और कुटजारिष्ट कुटज घनवटी चित्रकादी वटी का खाने के बाद इस्तेमाल करें, और अनार दही पका हुआ केला और उबला हुआ सेब और साठी के चावल जो ब्राउन राइस जिसको बोलते हैं उसी का इस्तेमाल करें, खिचड़ी और दही, ये साधारण सी चीज़ें ये कोलाइटिस के लिए रामबाण है। अब बेल आता है तो बेल को ऐसे ही बेल का पाउडर अथवा बेल को उबाल करके अथवा बेल का ऐसे बिना किसी चीनी के या शहद के ऐसे ही शरबत बना करके पी लें, कुछ दिन केवल बेल कल्प कर लें या तक्र कल्प कर लें, तो ये कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस के लिए अचूक रामबाण ब्रह्मास्त्र है, जो अभी हमने बताया इसको दोबारा से भी बता दिया राजेश जी के लिए। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस, आपने बताया 40-50%, मैं तो कहता हूँ 99% लोगों का हजमा खराब होता है, पाचन तंत्र किसी न किसी रूप में कमजोर होता है, सोच में टॉयलेट में नहीं लगनी चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा लोगों को बाथरूम में नहीं लगना चाहिए, कड़ाके की भूख लगनी चाहिए, तो फिर कोई बीमारी नहीं होगी ना। तो 99% लोगों का पेट खराब है, आज का कार्यक्रम उन सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। स्वामी जी आज आप एक खास मिठाई बताने वाले हैं जो पेट के लिए भी संजीवनी है और जाहिर है जायका भी उसमें अच्छा ही होगा, तो और इससे पेट से जुड़ी हर परेशानी भी ठीक हो जाएगी, तो अब जरा पाक शास्त्र की बातें कर लेते हैं। हाँ, जिनका पेट खराब होता है ना, चलो कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, जिनका पेट खराब होता है वो मिठाई नहीं खा पाते, मिठाई खाते ही पेट खराब हो जाता है, तो जिनका पेट गड़बड़ है वो कौन सी मिठाई खाएं, तो जिनका पेट गड़बड़ है वे
एलोवेरा की तो खीर खाएं। अब एलोवेरा दूध के अंदर फ्रेश डालना, एलोवेरा निकालते ही एलोवेरा के दोनों तरफ से पत्तों को काटा, बीच में से ऐसे ये पल्प निकल जाता है, कई बार हमने इसको निकाल करके दिखाया। दूसरा, थोड़ा घी के अंदर, एक चम्मच घी, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच घी लिया और इसके अंदर एलोवेरा का ये पल्प डाल दिया। इस पल्प को अच्छी तरह से थोड़ा सेक, देखो सेकने के बाद ये पल्प थोड़ा अलग अलग हो गया, गाय के घी में डाला अब ये अलग अलग हो गया। ऐसे इस पल्प को अच्छे से थोड़ा सेक करके और फिर इसके अंदर किसी को एक तो खीर हो जाएगी धीरे धीरे, और इसको थोड़ा सा सेकने के बाद इसमें थोड़ा दूध डालें तो मावा बन जाएगा, अथवा पहले मावा बना के रख लिया और उसको डाल दिया तो इसकी बर्फी तैयार कर देंगे। अब कल का प्रोग्राम बताओ, तब तक मैं बर्फी तैयार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, कल के कार्यक्रम में क्या खास है वो अब जरा दर्शकों को बताते हैं। किडनी के 5 दुश्मनों से कैसे दूरी बनाएं, डायलिसिस ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए, किडनी को कैसे मजबूत किया जाए, हाई क्रिएटिनिन को कैसे कंट्रोल रखें ताकि किडनी 100 साल तक हेल्दी रहे, तो कल का शो बिल्कुल आपसे मिस नहीं होना चाहिए। किडनी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हर एक सवाल का जवाब कल आपको मिलेगा। स्वामी जी, ये तो खीर तैयार हो जाएगी अभी घुट करके, और इतनी स्वादिष्ट होती है, डाइजेस्टिव होती है और ताकत बहुत होती है। एलोवेरा ताकत भी बहुत है, इसमें अर्थराइटिस को भी दूर करता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को, महिलाओं की महामारी को भी ठीक करता है। और इधर हमने देखो एलोवेरा को थोड़ा सेका और उसके अंदर फिर जो है थोड़ा मावा डाल दिया, और फिर ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, थोड़ा बादाम डाला, थोड़ा सा अखरोट डाला और थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे जो है कलौंजी डाल दिया, थोड़ा सा इसके अंदर पिस्ता भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं, ये शक्कर मिला दी, और इसके अंदर थोड़ा सा इलायची भी मिला सकते हैं, तो ये तैयार हो गई बर्फी। और ये बर्फी खाने वाली भी तैयार है, क्योंकि प्रज्ञा ने, प्रगति ने और श्वेता ने अपने पेट आदि अच्छे करके अपने आप को तैयार किया है खाने के लिए। तो लो सुबह सुबह ये कन्या पूजन कर देते हैं, और इन सारी चीजों को मिलाने के बाद थोड़ी सी मोहब्बत उस पे अगर छिड़क दी जाए तो फिर क्या कहना है, और मस्त हो जाओ और बल पाओ। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।